नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। धरने पर लोकसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार, पेयजल व पेयजल योजना संबंधित है मांगे कई बार दे चुके हैं आवेदन। राजपुर तहसील के ग्राम पंचायत इंदरपुर में समस्त ग्रामवासी एकत्र होकर धरना दे रहे हैं। वहीं पैसा एक्ट ग्राम सभा अध्यक्ष अखिलेश पटेल उर्फ अक्कू ने बताया कि ग्रामीणों ने आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासी 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर व साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी व अन्य से पानी लाते हैं। वहीं मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या से उन्हें मजदूरी तक छोड़ना पड़ रही है। ग्राम पंचायत में 2,66,00,000 रुपए की राशि से पेयजल योजना का काम होना था, वह भी समय से नहीं हुआ है। वहीं लापरवाही के प्रशासन पर आरोप भी लगाए हैं। वहीं इसका निराकरण जल्द नहीं निकाला गया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। शासन प्रशासन को कई बार पूर्व इस संबंध में अवगत करा चुके हैं। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम अखिलेश पटेल है, हम ग्राम पंचायत इंद्रपुर के निवासी हैं। आज पिछले 2 साल से हम लोग तरस रहे हैं। इस पंचायत में 2,66,00,000 रुपए की पेयजल योजना भी आई है, लेकिन वह योजना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। और हम लोग लगातार ज्ञापन आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। SDM को, कलेक्टर को और पेयजल विभाग को, जिम्मेदार सभी अधिकारियों को हम लोगों ने अवगत करवा दिया है, लगातार करवाते रहे, लेकिन आज दिनांक तक हमें पानी नहीं मिला है। और जिम्मेदार अधिकारियों से भी हम लोगों ने मांग करी है कि हमें स्थायी पानी की व्यवस्था करके दी जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। और आज हमारे यहाँ 4,000 मतदाता 10,000 जनसंख्या है, वो पूरे पानी के लिए तरस रही है, लेकिन आज तक जिम्मेदार शासन, न प्रशासन, न नेतागण, आज तक हमारे किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया है। तो हम समस्त ग्रामवासियों ने यह मिलकर निर्णय लिया है कि अगर हमारी 13 मई से पहले अगर पानी की व्यवस्था नहीं की गई स्थायी रूप से, तो हम समस्त ग्रामवासी 4,000 मतदाता मिलकर लोकतंत्र का मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम आने वाले किसी भी चुनाव में हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। पूर्ण रूप से हम लोग इस बात से स्वैच्छिक रूप से विरोध करते हैं कि हमें पानी नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? दीपक बघेल है मेरा नाम। आप यह क्यों इकट्ठे हुए? यह एक पानी की समस्या के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी हमारे गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहां पानी आता तो है पर महीने में एक बार आता है, क्योंकि इसके बाद में पानी आता नहीं है। समस्या इतनी अधिक है कि न तो यहां पानी मिलता है, न यहां कोई कुआं पास में है जो पानी ला के ला सके, किसी प्रकार के कोई साधन से ला सके। बहुत समस्या होने के कारण हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से यही द्वार ये करना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, वरना हम एक ही चीज़ करेंगे, बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमको पानी नहीं मिलेगा। किस चीज़ का बहिष्कार करोगे? हम पानी के लिए ही करेंगे, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि चुनाव के अभी जो आने वाला चुनाव है, इसमें हम किसी को वोट, कोई भी हमारा गाँव का कोई भी नागरिक कोई भी वोट नहीं डालेगा, क्योंकि समस्या इतनी अधिक होने के कारण ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर चुनाव हो जाने के बाद में कोई भी सरकार हो, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी, इसलिए हम बहिष्कार करेंगे कि हमारा जो भी ये काम है कि पानी की जो समस्या है, इसको लेकर हम यहाँ खड़े एकत्रित हुए हैं सभी गांव के। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमको हमारी समस्याओं का समाधान करें और हमें जो पेयजल योजना का जो लाभ है वो सही तरीके से मिले, क्योंकि उन्होंने जो पाइपलाइन करी हुई है वो एक ऐसी पाइपलाइन करी हुई है जो हर रोज़ फटती है। आज अगर उसको सही कर दिया जाएगा तो 2 रोज बाद में फिर फट जाएगी। अगर हम किसी भी अधिकारी को यह बोलते हैं तो कोई भी अधिकारी हमारी इस बात पे कोई ये नहीं कर पा रहे हैं कि आपका समस्या का समाधान हो पाएगा।